एक बात याद रखना, स्कोर कैसे बढ़ता है, जब भी आपको पेपर हार्ड लगे ना, तो बस एक इतनी सी कोशिश कर लेना कि हार्ड है कोई बात नहीं, मैं ऐसा करूंगा कि जो मुझसे आता है ना, मैं उसमें कोई गलती नहीं करूंगा आज। और आप देखिए, एक बच्चा 134 मार्क्स बताकर वो रो रहा है, बट अभी आपके पास बहुत टाइम है, अभी आप 134 को 234 भी बना सकते हो बहुत आराम से। मेहनत करनी होगी लगातार, ठीक है, लगातार मेहनत करिए। 5 महीने यार पढ़ने में क्या जाता है मेरे भाई, 5 महीने के बाद फिर ये टाइम आ जाएगा, फिर आप कहीं भी घूमना, कुछ करना, कुछ भी गुलछर्रे उड़ाना, लेकिन 5 महीने, 4-5 महीने एक बंद कोठरी में दे दो ना यार, क्या जाता है भाई, लाइफ के 4-5 महीने पूरी लाइफ को बनाने के लिए दे दिए, क्या जाता है, ठीक है। बहुत मेहनत करो भाई, बहुत मेहनत वालों का ही सिलेक्शन होगा, ठीक है। कंपटीशन तो बड़ा बढ़ रहा है, बहुत अच्छे लेवल पे बढ़ रहा है, रह जाओगे सारे यही कमेंट करते हुए और कुछ नहीं होगा। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि जब अगर आपको स्कोर मेंटेन करना है और पेपर हार्ड लगने लगे, तो आपको बस एक ही काम करना है कि आज मैं एक भी प्रश्न ऐसा गलत नहीं करूंगा या करूंगी कि जो मुझसे आता है। अब आप खुद चेक करो, जो 134 150 पे मुंह बना के रो रहा है यहाँ इमोजी दिखा दिखा के, खुद चेक करना। अभी मैं करेक्ट इनकरेक्ट खुलवा रहा हूं इस एनालिसिस के बाद, आपके बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जरूर गलत हुए होंगे जो आपको आते होंगे, या बहुत माइनर मिस्टेक उसमें कर गए हैं, सॉल्यूशन भी होते हैं बेटा इस मॉक टेस्ट में। तो कुल मिलाकर के बच्चों जरूर चेक करना और फिर मेरे को बताना, कमेंट में जरूर बताना। आज सारे बच्चे कमेंट्स में ये जरूर बताएंगे एनालिसिस देखने के बाद, यानी वीडियो में सॉल्यूशन देखने के बाद, उसके बाद जरूर बताना कि सर मेरे को आते हुए 5 क्वेश्चन गलत हुए, मेरे आते हुए 4 क्वेश्चन गलत हुए, मेरे आते हुए 8 क्वेश्चन गलत हुए। बेटा 8-8, 10-10 भी हो रहे होंगे। अब 8-10 से लगा ला, 134 वाला बच्चा अगर वो 10-12 क्वेश्चन आते हुए गलत भर रहा है, तो सीधी सी बात 20-25 नंबर का फर्क तो यही है, और 150-160 जाते उसको लगने लगेगा कि मेरा तो हो गया, मैं तो बहुत नजदीक हूं, इतने में पहुंच जाएगा वो। तो आते हुए गलत मत करो बच्चा, बस यही ध्यान रखना है, ठीक है। तो आज कमेंट करके जरूर बताना लास्ट में कि आते हुए कितने प्रश्न आपसे गलत हुए हैं, ठीक है। तो स्कोर बढ़ाने का सबसे बढ़िया और सबसे आसान तरीका है, आता हुआ गलती मत करो, ठीक है। टाइम का मैनेजमेंट बेटा ये बहुत जरूरी चीज है, ये आपको एग्जाम में भी परेशान करेगी, क्योंकि रीजनिंग जो है ना, रीजनिंग बच्चे आपके 55-56 क्वेश्चन हैं। मैंने पिछली बार देखा था बहुत अच्छे अच्छे बच्चों को भी रहते हुए, जिनकी तैयारी बहुत अच्छी थी, जिनका आईक्यू लेवल भी बहुत अच्छा था, जिनको बेटा रीजनिंग का कितना भी मुश्किल सवाल दे दो वो भी वो लोग कर लेते थे, लेकिन उनको क्या समस्या आई, उनको टाइम कम पड़ा। और टाइम इसलिए कम पड़ा क्योंकि उनको तैयारी के 2 ही महीने मिले थे, क्योंकि 2 महीने के अंदर अंदर ये एग्जाम हो गया था, 49-5-67 की बात कर रहा हूं। तो बच्चों उनकी तैयारी तो 41-520 में भी थी, पर बच्चों उन्होंने अरे बहुत बढ़िया यार मैं तो अच्छा ही हूं ऐसे करके 41-520 में फिजिकल में रह गए, 49-567 में उनको टाइम कम पड़ गया, क्योंकि पेपर थोड़ा सा रीजनिंग का लेंथ बढ़ाई दे दी थी उन्होंने। तो भैया टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए वो, और अपना स्कोर जिसका टाइम बिगड़ा, समझ लीजिए अगर आपका टाइम का मैनेजमेंट खराब हुआ ना, तो बेटा आप सिलेक्शन तो ले ही नहीं सकते, तो ये कैसे सही मैनेज होगा। इसके लिए ये मॉक टेस्ट कराए जाते हैं बेटा, मॉक टेस्ट जरूर करना है इसलिए, टाइम मैनेजमेंट के लिए। और बच्चों अगर लगता हो कि सर मेरा तो हर बार ही टाइम कम पड़ता है, तो बेटा फिर आपको ना मैथ्स के दोबारा जो जिस बुक से कर रखा है उसको दोबारा करने की जरूरत है, रीजनिंग जिस बुक से कर रखी है उसको दोबारा करने की जरूरत है, अगर आपको हर टेस्ट में टाइम कम पड़ रहा है तो, ठीक है। तो ये इलाज है, तो टाइम मैनेजमेंट का मैंने आपको बता दिया है बेटा। ये जो एनालिसिस है ना, ये आप में लगातार सुधार करेगा, और हर संडे हर बच्चे को मॉक टेस्ट देने आना है। एक खुद से वादा करो कि आपकी तैयारी है। बहुत सारा बच्चा ये कहता है सर मेरी तैयारी नहीं है अभी, मुझे मॉक टेस्ट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। बेटा मैं ये कहता हूं, अगर आप तैयारी शुरू भी कर रहे हो ना, आपको मॉक टेस्ट तब भी देना चाहिए। आप उससे कभी डिमोरलाइज मत हो, ये देखो कि मैं आज कहां हूं, लेकिन मैं फिर एक 15 दिन बाद या हफ्ते भर बाद टेस्ट दूंगा, फिर मैं कहां हूंगा, और ये अपने आपको सीढ़ी दर सीढ़ी अपने आपको उठाते चलो, तो आपको दिखेगा अपने आप में एक बहुत जबरदस्त सा चेंज दिखेगा, और वही चेंज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है बच्चों। तो ये मत सोचो कि सर मेरी अभी तैयारी नहीं है, मुझे मॉक टेस्ट देना चाहिए या नहीं। मैं कहता हूं हर बच्चे को देना चाहिए बेटा। आप बिल्कुल नए नवेले हो, तो आप अगर 100-150 के आसपास भी घूमते हो, पहली बार वाला बच्चा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन किसी बच्चे ने पिछली भर्ती की भी तैयारी की, या वो बहुत दिन से भी तैयारी कर रहा है, जीडी की भी तैयारी की, और वो अभी भी 150 पे घूम रहा है, तो मैं कह सकता हूं आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, अगर आप जीडी की भी तैयारी कर चुके हैं, आप 49-567 में भी थे, तो बेटा आप सिर्फ टाइम फोड़ रहे हो, आपको आज के दिन 200 प्लस होना चाहिए था, आपका स्कोर 200 के आसपास घूमना चाहिए था। अगर आप नहीं घूम रहे हो तो आप ज्यादा बढ़ा ही नहीं पाओगे, चाहे आप 2 महीने तैयारी करो या 3 महीने, क्योंकि आप सीरियस ही नहीं हो। क्योंकि बच्चों आपको खुद देखो ना यार, कि आप 2-4 साल पहले भी तैयारी कर रहे थे, 4 साल में आपने क्या किया, अगर आप 150 पर ही घूम रहे हो तो इसका मतलब सीरियस कहां हो आप। हाँ कोई नया बच्चा है, पहली बार तैयारी कर रहा है, 12वीं करके आया, मैं मान सकता हूं कोई दिक्कत नहीं है, आप 100-150, मैं आपको 250 पहुंचा दूंगा, चिंता मत करो, ठीक है, आप पहली बार की तैयारी वाले हैं। लेकिन बच्चों जो पुराना बच्चा घिसा मंडा बच्चा, अगर वो भी ऐसे करेगा ना, तो उसका सिलेक्शन होना ही नहीं, मैं कुछ भी कर लूं, ठीक है, वो तो बस कमेंट करता ही घूमता है इधर उधर। चलिए बाकी बेटा बुरा लगे आपको, लेकिन मैं रियल बात बोल रहा हूँ, कड़वी होती है पर बेटा सिलेक्शन वाली होती है ये बातें। अगर आपको दिल पे लेना लीजिए, क्योंकि वही दिल तैयारी कराएगा, आपको मजबूर करेगा तैयारी करने के लिए, ठीक है।